हे गाइस, तो आज बात करने वाले हैं इंडिया की लाखों करोड़ों महिलाओं लड़कियों की कहानी। तो मैं बात कर रहा हूँ मूवी मलयालम मूवी जय 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 है की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मलयालम इंडस्ट्री ने इस साल जितनी कॉन्टेंट ओरिएंटेड मूवी बनाई है शायद ही और किसी इंडस्ट्री ने दी होगी। तो बात करें मूवी की, तो ये कहानी है जय नाम की लड़की की, जिसके बचपन से लेकर शादी होने के बाद उसके जीवन में क्या क्या होता है और कैसे इन सभी चीज़ों को वो फेस करती है। तो बात करें डायरेक्शन की, तो तारीफ करनी पड़ेगी मेकर्स की कि उन्होंने इतने सीरियस मैटर को मूवी में शोकेस किया है। जैसा कि मूवी के स्टार्टिंग में ही लिखा आता है कि ये कहानी है करोड़ों भारतीय महिलाओं की। तो मूवी में जया के स्टार्टिंग से बचपन में पैदा होते ही लड़कों के साथ नहीं खेलना और लड़कों का अलग खिलौना होता है और लड़कियों का अलग, कॉलेज में जो कोर्स है वही पढ़ने देना और घर से दूर नहीं जाने देना। फिर कॉलेज में उसको हो जाता है अपने ही सर से प्यार, जिसका जया के घर वालों को पता लग जाता है। फिर वही होता है जो हर किसी महिला के साथ होता है, वो उसकी शादी करवा देते हैं। उसके बाद वो सहती है अपने पति का जुर्म। फिर आता है मूवी में ट्विस्ट, यहीं से मूवी में मजा आने लगता है। जिस तरह से जया की शादी के बाद उसके ससुराल वालों को दिखाया गया है और उसके पति को, और जया और उसके पति के बीच में जो बातें होती है वो देखकर आपको काफ़ी मजा आएगा। मतलब जो सीन होते हैं उनमें फनी समीजूब कचने लगता है, जिससे उस सीन में आपको अलग ही मजा आने देखने को मिलेगा। मूवी का फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो लगता है और बोरिंग भी लग सकता है, लेकिन सेकेंड हाफ पूरी तरह मूवी की टोन चेंज कर देता है, जो आपको देखकर काफ़ी मजा आएगा। जिस तरह से उसकी शादी के बाद इतने फनी तरह से उसके और उसके पति के बीच रिलेशन रहता है, सीरियस टॉपिक होने के बाद भी आपको हंसने पर मजबूर कर देगी। जाएगी कहानी इसे आप अपने आप को जोड़ पाएंगे और उसके लिए बुरा फील करेंगे। तो डायरेक्शन में मूवी का फर्स्ट हाफ उसकी शादी से पहले की जर्नी दिखाता है और सेकंड हाफ उसकी शादी के बाद। आगे बात करें सिनेमेटोग्राफी की, तो मूवी में जिस तरह से उसके घर और उसके ससुराल के सीन्स को कैप्चर किया गया है वो बहुत अच्छा लगता है। बात करें म्यूजिक की, तो मूवी की जान ही उसका म्यूजिक है। मतलब सीरियस सीन्स में भी इसका म्यूजिक बजता है तो आपको हंसी आने लगती है। मूवी में रैप सॉन्ग्स है और कुछ एक आध गाने। बात करें ओला वर्यू की, तो ये मूवी भारत की हर लड़की महिला को देखनी चाहिए, जो आप अपने आप को इससे जोड़ पाएगी और जाए कैसे इसको फेस करती है ये देखकर आपको कुछ सीखने को मिलेगा। मूवी में लड़का लड़की में समानता को लेकर भी बात की गई है। तो यही था मेरा रिव्यू, आशा करता हूँ पसंद आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें MK TV को।